कि आपको तरह तरह से, मैं देखिए हमारा जो सेंस ऑर्गेन होता है, कभी आप सुनकर, कभी आप देखकर, और दोस्तों कभी आप पढ़कर, कभी आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वन लाइनर सीरीज वाला, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको यहाँ पे चीज़ें सुनेंगे आप, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठा रहेगा, और यदि इससे क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक रिवीजन सेशन है हमारा, पार्ट 1। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको टॉप राइट कॉर्नर में प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, और दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, इन द डैश स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट कंसेंसस डेवलप अराउंड हु द लीडर और लीडर्स आर एंड इंडिविजुअल मेंबर्स रोल। इंटर पर्सनल डिफरेंस बिगिन टू बी रिजॉल्व एंड अ सेंस ऑफ कोहेजन एंड यूनिटी इमर्ज। टीम परफॉर्मेंस इंक्रीजेज ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो अब बताइए इस कौन सा स्टेज है, तो इस स्टेज को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये हम लोगों ने पिछले लेसन में डिस्कस किया था कि ग्रुप डेवलपमेंट में एक स्टेज होता है जिसे हम लोग नॉर्मिंग कहते हैं। तो इस स्टेज का नाम है नॉर्मिंग, ठीक है, आप याद रखेंगे इसका नाम क्या है दोस्तों, नॉर्मिंग। तो ग्रुप डेवलपमेंट में 5 स्टेजेस होते हैं, आपको पता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डैश स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ द टीम गोल्स हैव बीन अकम्प्लिश्ड। द इम्फेसिस ऑन रैपिंग ऑफ फाइनल टास्क एंड डॉक्यूमेंटिंग द एफर्ट एंड रिजल्ट। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे टीम गोल को एकम्प्लिश कर लिया जा चुका है, तो इसे हम लोग कहते हैं एट जर्निंग। दिस वी कॉल एट एट जर्निंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग एट जर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जो एट जर्निंग स्टेज होता है ग्रुप डेवलपमेंट का, उसका एक दूसरा नाम होता है। ये स्टेज या ये स्टेज क्या कहते हैं बताइए। तो एट जर्निंग स्टेज का दूसरा नाम होता है दोस्तों कन्फर्मिंग स्टेज, ये आपको पता होना चाहिए, कन्फर्मिंग स्टेज। यानी तो दोस्तों इसे हम लोग एक और नाम देते हैं जिसे एडजस्टमेंट स्टेज भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट स्टेज कहते हैं। फिर कह रहा है, इन द डैश स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट कंसेंसस एंड कोऑपरेशन हैव बीन वेल एस्टैब्लिश्ड एंड द टीम इज मैच्योर ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल फंक्शनिंग। तो इस स्टेज का क्या नाम होता है दोस्तों, इसे हम लोग परफॉर्मिंग स्टेज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मिंग स्टेज। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं दोस्तों, ये ग्रुप डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें किस स्टेज में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, टाइप डैश इंडिविजुअल आर आउट गोइंग एम्बिशियस रिजिडली ऑर्गेनाइज हाईली स्टेटस कॉन्शियस इम्पेशेंट एंड एंग्जियस प्रोएक्टिव एंड कंसर्न विद टाइम मैनेजमेंट। तो ये कौन सा टाइप का इंडिविजुअल होता है दोस्तों, ये होते हैं टाइप ए इंडिविजुअल, ठीक है। टाइप ए इंडिविजुअल जो होते हैं आउटगोइंग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, एंग्जियस होते हैं। और फिर कर रहा है, डैश टाइप पर्सनैलिटी आर इजी गोइंग रिलैक्स एंड हाईली फ्लेक्सिबल जनरली टेकिंग अ मच मोर केयर फ्री अप्रोच एंड वाइडर फिलोसफिकल व्यू। तो दोस्तों ये है हमारा टाइप बी पर्सनैलिटी, ठीक है, ये इजी गोइंग होते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस बेटर होता है इनका, और ये कम स्ट्रेस होते हैं एज कम्पेयर टू टाइप ए पर्सनैलिटी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डैश पर्सनैलिटी इज वेरी डिटेल ऑरिएंटेड इंडिविजुअल हु लाइक्स टू बी इन्वॉल्व इन थिंग्स दैट आर कंट्रोल एंड स्टेबल। तो इसे कहते हैं दोस्तों टाइप सी। और फिर कह रहा है, डैश टाइप पर्सनैलिटी टेक अ स्लोअर इजियर पेस टुवर्ड्स देयर वर्क एंड लाइफ इन जनरल। तो ये हमारा टाइप डी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, कह रहा है कि सिगमंड फ्रेड का बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रेड, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज मोर देन अ सिंगल कंपोनेंट। इन इज फेमस साइकोएनालिटिक थ्योरी फ्रेड स्टेट दैट पर्सनैलिटी इज कम्पोज ऑफ 3 एलिमेंट्स। बताइए पर्सनैलिटी के अंदर कौन कौन से 3 एलिमेंट्स होते हैं। तो एक होता है हमारा ईड, आईडी बोलते हैं, एक होता है ईगो, और दोस्तों तीसरा होता है हमारा सुपर ईगो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट आपके एलिमेंट्स हैं हमारे साइकोएनालिटिकल थ्योरी में दिया गया है सिगमंड फ्रेड के द्वारा। तो ईड, आईडी, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सिगमंड फ्रेड साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी आर्ग्यूज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ डैश अमॉन्ग 3 कंपोनेंट पार्ट ऑफ माइंड, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो वो जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो किसका रिजल्ट होता है, तो दोस्तों ये बेसिकली रिजल्ट होता है इंटरेक्शन का, ठीक है। दिस इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग 3 कंपोनेंट पार्ट ऑफ द माइंड। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 5 फैक्टर मॉडल है ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ट्रेड थ्योरी टूडे, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर कौन कौन से आते हैं दोस्तों। तो 5 फैक्टर में क्या क्या आता है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला आता है दोस्तों ओपननेस, दूसरा आता है दोस्तों, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, दूसरा आता है दोस्तों कॉन्सिटनेस, ठीक है, कंसाइटनेस। उसके बाद तीसरा आता है दोस्तों एक्सट्रोवर्जन। उसके बाद दोस्तों चौथा आता है एग्रीएबलनेस, और दोस्तों पांचवा आता है न्यूरोटिज्म। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि 5 फैक्टर मॉडल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि जो ट्रेड थ्योरी है इसको दूसरा नाम क्या होता है। ट्रेड थ्योरी का आपको दूसरा नाम पूछा गया है, बताइए दोस्तों ट्रेड थ्योरी का दूसरा नाम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ।
ट्रेट थ्योरी का दूसरा नाम है, एक अप्रोच होता है जिससे हम लोग ह्यूमन पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं, इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों डिस्पोजिशनल थ्योरी। डिस्पोजिशनल थ्योरी, ठीक है, तो ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो ये सिंगल वन लाइन के द्वारा आपको मैं वन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेड थ्योरी आर प्राइमरी इंटरेस्टेड इन मेजरमेंट ऑफ ट्रेड विच कैन बी डिफाइंड एज। तो ट्रेड थ्योरीज जो होते हैं वो प्राइमरली इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेड के मेजरमेंट में, इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? तो दोस्तों इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ह्यूमन पैटर्न ऑफ बिहेवियर, मतलब ह्यूमन का बिहेवियर पैटर्न क्या है। फिर दूसरा पॉइंट है दोस्तों उनके थॉट के बेसिस पे, और तीसरा पॉइंट है उनके इमोशन के बेसिस पे, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग ट्रेड थ्योरी को डिस्क्राइब करते हैं। डैश पर्सनैलिटी थ्योरी इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइज्ड कंसिस्टेंट सेट ऑफ परसेप्शन एंड बिलीव अबाउट वन सेल्फ। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट, इसे क्या कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट पर्सनैलिटी थ्योरी। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पे जो हमारा 2000 एमसीक्यू सीरीज है उसके बारे में डिटेल थोड़ा देना चाहता हूँ। तो जो लोग इसमें इच्छुक हैं, तो दोस्तों ये प्लान है हमारा, प्लान ए और प्लान बी, तो आपको इसमें ये सभी फैसिलिटीज़ मिलेंगे, क्विक रिवीजन, मैकमिलन अनसॉल्व प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यदि आप इसमें इच्छुक हैं इस प्लान को एंड अपीयर करने में ताकि आपको सहायता मिले अपने एग्जामिनेशन में, तो दोस्तों आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें और मैं आपको डिटेल बताऊंगा। दोस्तों वीडियो लेक्चर सारी टॉपिक के हमारे चैनल पे कम्प्लीटली फ्री हैं और हमारे आप चैनल से आसानी से इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा 2000 एमसीक्यूज के बारे में डिस्क्रिप्शन। आगे हम लोग कंटिन्यू रखते हैं अपने इस वीडियो को, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। डैश इज द थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रोसेस एंड सोशल बिहेवियर विच प्रपोजेज दैट न्यू बिहेवियर्स कैन बी एक्वायर्ड बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर। इन एडिशन टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, लर्निंग ऑल्सो ऑकर थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, अ प्रोसेस दैट इज नोन एज विक्टेशियस इन्फोर्समेंट। तो ये थ्योरी का नाम क्या आपको बताना है? इस थ्योरी का नाम है दोस्तों सोशल लर्निंग थ्योरी। ये सब देखिए कई सब क्वेश्चन सब आता है ना, आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या होता है कि आप एक है लर्निंग प्रोसेस का थ्योरी है इसमें, और सोशल बिहेवियर का एक लर्निंग थ्योरी है जो प्रपोज करता है न्यू बिहेवियर कैन बी एक्वायर्ड बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर, यानी दूसरे को देख कर और दूसरे को इमिटेट कर नया बिहेवियर को आप एक्वायर कर सकते हैं। ये कौन कहता है? सोशल लर्निंग थ्योरी कहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कार्ल रॉगर इज एसोसिएटेड विद डैश थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ये नाम रखिएगा, कार्ल रॉगर नाम है। तो कार्ल रॉगर किस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड है? तो दोस्तों ये एसोसिएटेड है दोस्तों सेल्फ कंसेप्ट से, ये एसोसिएटेड है सेल्फ कंसेप्ट से। जैसे एमसीक्यू यहीं से बनता है, कहीं से एमसीक्यू अलग से नहीं आता है, एमसीक्यू सब यही पॉइंट से बनता है। तो आपको मैं एक तरह से एमसीक्यू ही करवा रहा हूं, आपका बेसिक पॉइंट क्लियर रहना है कि कार्ल रॉगर किस से एसोसिएटेड है, सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी से एसोसिएटेड है। डैश थ्योरी इज द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट ड्राइव्स अ पर्सन टू वर्क टुवर्ड अ पर्टिकुलर गोल और आउटकम। दैट्स बिकॉज अ मोटिवेटेड एम्प्लॉय इज मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉय इज मोर मोटिवेटेड। तो इस थ्योरी का क्या नाम है जिसमें हम लोग जो स्टडी करता है अंडरस्टैंडिंग व्हाट ड्राइव अ पर्सन टू वर्क टुवर्ड पर्टिकुलर गोल और आउटकम? दोस्तों इस थ्योरी का नाम है मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है। दिस थ्योरी इज कॉल्ड मोटिवेशन थ्योरी, राइट। मास्लो प्रपोज दैट मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ पर्सन अटेम्प्ट एट फुलफिलिंग फाइव बेसिक नीड्स। तो मास्लो के द्वारा फाइव बेसिक नीड क्या क्या था बताइए? तो दोस्तों मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। पहला है दोस्तों फिजियोलॉजिकल, ठीक है। दूसरा है दोस्तों सेफ्टी, तीसरा है दोस्तों सोशल, चौथा है दोस्तों स्टीम, और पांचवा है दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, द मास्लो मोटिवेशन थ्योरी स्टेट्स दैट ह्यूमन बिहेवियर हैविंग हैव अ डैश दैट इज ऑल ह्यूमन एक्ट इन अ वे विच विल एड्रेस बेसिक नीड्स बिफोर मूविंग ऑन टू अ सेफ्टी अदर सो कॉल्ड हायर लेवल नीड। तो बताइए हैव अ क्या है? तो हैव अ हायरार्की ऑफ नीड, ठीक है, हैव अ हायरार्की ऑफ नीड। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सबके पास एक हायरार्की है नीड्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 20 में आते हैं। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग प्रपोज द डैश थ्योरी, और द डैश थ्योरी अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग देयर आर सम जॉब फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन सेटिस्फैक्शन व्हाइल देयर आर अदर जॉब फैक्टर्स दैट प्रिवेंट डिससैटिस्फैक्शन। तो बताइए कौन सा थ्योरी है हर्ज़बर्ग के अंदर? तो दोस्तों इसके अंदर एक थ्योरी है जिसे हम लोग टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं, ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं। और दोस्तों एक होता है मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी, क्या है? मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी, ठीक है। तो ये फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग का जो थ्योरी है जो कि ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग द अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज डैश एंड द अपोजिट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन इज डैश। तो हर्ज़बर्ग के अनुसार जो सिंपल सी बात है, सेटिस्फैक्शन का अपोजिट है नो सेटिस्फैक्शन, ठीक है, और डिससैटिस्फैक्शन का अपोजिट है दोस्तों क्या? डिससैटिस्फैक्शन का अपोजिट है दोस्तों लेट मी टेल यू व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। सो इट इज नो डिससैटिस्फैक्शन, सिंपल सी बात है ना, अपोजिट भी तो पूछ रहा है।
चलिए आगे देखते हैं. फ्रेडरिक हर्जबर्ग थ्योराइज दैट इम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन हैज टू डायमेंशन ए एंड बी. तो इम्प्लॉय का जो सेटिस्फेक्शन है उसका दो डायमेंशन है, एक है हाइजीन, ठीक है, और दोस्तों दूसरा है मोटिवेशन. ये मैंने बता ही दिया आपको, है ना, हाइजीन एंड मोटिवेशन. चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इशूज सच एज सैलरी एंड सुपरविजन डिक्रीज इम्प्लॉयमेंट डिससेटिस्फेक्शन विद द वर्क इन्वायरमेंट, दीज आर नोन एज डैश इशू. तो ऐसे इशू को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम लोग हाइजीन इशू कहते हैं. क्या कहते हैं इसके हम लोग, हाइजीन इशू कहते हैं. इशूज सच एज रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट मेक वर्क मोर प्रोडक्टिव क्रिएटिव एंड कमिटेड, इसे हम लोग क्या कैसे इशू कहते हैं दोस्तों, ऐसे इशू को हम लोग मोटिवेटर इशू कहते हैं. देखिए ये आपको एक एक पॉइंट में क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है. यदि आप इसको बार बार दो तीन बार देख लेंगे वीडियो तो याद हो जाएगा कि हाँ ये टर्म रहा तो इसका आंसर ये होगा. तो जो जो पॉइंट है मैं बताते चल रहा हूँ. हर्ज़बर्ग ने जो थ्योरी दिया, हाइजीन थ्योरी और मोटिवेशन थ्योरी दिया, तो हाइजीन के अंदर आता है दोस्तों सैलरी सुपरविजन डिक्रीज इंप्लॉयमेंट डिससेटिस्फेक्शन वर्क एनवायरनमेंट, और मोटिवेशन के अंदर आता है रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट मेक वर्कर मोर प्रोडक्टिव क्रिएटिव एंड कमिटेड, ठीक है. उसके बाद दोस्तों डैश थ्योरी और मोटिवेशन सजेस्ट दैट देर आर ग्रुप थ्री ग्रुप ऑफ कोर नीड एक्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, इसे हम लोग अर्ग थ्योरी कहते हैं. क्या क्या कहते हैं, अर्ग थ्योरी कहते हैं. और अर्ग थ्योरी किसने दिया है, तो अर्ग थ्योरी दिया है दोस्तों एल्डरफर ने, एल्डरफर, ठीक है. अर्ग थ्योरी में ये मैंने बता ही दिया, अर्ग स्टैंड फॉर ई फॉर एग्जिस्टेंस, आर फॉर रिलेटेडनेस और जी फॉर ग्रोथ, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. फिर दोस्तों डैश रेशियो इज अ मेजर दैट एक्सप्रेस करंट पे रेट एज अ परसेंटेज ऑफ रेंज रेंज मिड पॉइंट. When the midpoint of pay range represent full market pay, the ratio of the employee actual salary to that midpoint indicate whether the employee is paid below. दोस्तों ये बहुत important ratio है, compa ratio कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा. इसे question पूछा जाता है. Compa ratio एक measure है जो कि express करता है current pay rate से किसे, as a percentage of range midpoint. इसका मैं full form आपको बताता हूँ, इसका मैं आपको formula बताता हूँ. तो दोस्तों compa ratio का formula is short for, तो दोस्तों compa ratio is short for, दोस्तों compa मतलब क्या होता है, compensation होता है. एक्चुअली में हम लोग कंपा बोलते हैं, ये शॉर्ट फुल फॉर्म है कंपेंसेशन रेशियो का. यदि आपसे फॉर्मूला पूछा जाए कंपा रेशियो का तो आप क्या बताएंगे, तो देखिए करंट सैलरी आप नोमिनेटर में लिख लीजिए, ठीक है, आपका जो करंट सैलरी है उसको नोमिनेटर में लिख लीजिए, और डिनोमिनेटर में लिख दीजिए मार्केट एवरेज को. क्या लिख दीजिए, मार्केट एवरेज को, और इनटू 100 कर लीजिए. तो ये कंपा रेशियो का फॉर्मूला है. और कंपा रेशियो से हम लोग क्या करते हैं, क्या एसेस करते हैं, इज यूज टू एसेस द डैश ऑफ एम्प्लॉय पे. तो दोस्तों इसे आप लोग एसेस करते हैं कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, यू एसेस व्हाट, यू एसेस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन एम्प्लॉय पे. किसी एम्प्लॉय का जो पेमेंट है उसका कितना कॉम्पिटिटिवनेस है वो बताता है. वही तो मैंने बताया कि ये परसेंटेज होता है रेंज, आप नोमिनेटर में सैलरी लिख लीजिए और डिनोमिनेटर में पे रेंज लिख लीजिए, करंट सैलरी बाय मार्केट एवरेज. अब दोस्तों कंपा एवरेज कितना, कंपा रेशियो कितना होना चाहिए ताकि आप ये इंडिकेट करें कि आप एम्प्लॉय को फुल मार्केट वैल्यू पे कर रहे हैं. तो याद रखिएगा कंपा रेशियो 100 होना चाहिए, ठीक है. दोस्तों रेस का फुल फॉर्म याद रखिएगा रिकॉग्निशन एंड कैरियर एनहांसमेंट. तो ये चार बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है. वो चार बेसिक प्रिंसिपल क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों. चार बेसिक प्रिंसिपल, पहला है पैशन, दूसरा है दोस्तों प्राइड, तीसरा है दोस्तों प्रोग्रेस, और दोस्तों चौथा है आपका प्रॉस्पेरिटी. तो 4 P's भी इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, 4 P. तो याद रखिएगा पैशन, प्राइड, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है. आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33. डैश इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल दैट एम्स टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बाई क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव दैट आर एग्रीड टू बाय बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय. तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं MBO. MBO क्या होता है, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव. ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है जो जिसके थ्रू हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं. कैसे इम्प्रूव करेंगे, तो हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करते हैं, नाम ही में लेकिन ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं. डैश इज अ पॉलिसी बाय विच मैनेजमेंट डिवोट्स हिज टाइम टू इन्वेस्टिगेटिंग ओनली दो सिचुएशन इन विच एक्चुअल रिजल्ट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्लान्ड रिजल्ट. तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं MBE, इसे कहते हैं MBE. अब इसका फुल फॉर्म आप पूछेंगे क्या है, दोस्तों इसे कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है. चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं. उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं. इन बिहेवियरल, इन दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इन बिहेवियरल टर्मिनोलॉजी बार्स स्टैंड फॉर. तो बार्स का फुल फॉर्म क्या है बिहेवियरल टर्मिनोलॉजी में, ये आपको बताना है, ठीक है. तो दोस्तों बार्स का फुल फॉर्म यदि हम बात करें तो बार्स आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बार्स का मैं फुल फॉर्म यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ. देखिए यहाँ लिखा हुआ है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, यही है बार्स, ठीक है. अच्छा दोस्तों 36 है. बार्स स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द क्वांटिटेटिव पैरामीटर ऑफ डैश विद द सब्जेक्टिव मेथड ऑफ डैश. तो दोस्तों किसके किसके बीच में ये बैलेंस को स्ट्राइक करता है, तो जो इसको मैं यहाँ पे दूसरे कलर से समझाता हूँ दोस्तों. तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है ना
क्वांटिटेटिव पैरामीटर होता है, बार्स के बारे में बात करें तो एक होता है MBO, ठीक है, और एक है सब्जेक्टिव मेथड, किसका होता है सब्जेक्टिव मेथड, होता है 360 डिग्री अप्रेजल, ठीक है, तो उसके बीच में एक बैलेंस को स्ट्राइक करता है। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बार्स मेजर एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बिहेवियर अगेंस्ट अ न्यूमेरिकल स्केल, ठीक है, अगेंस्ट अ न्यूमेरिकल स्केल फ्रॉम डैश टू डैश। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो किसी परफॉर्मेंस के बिहेवियर को ही मेजर करता है। न्यूमेरिकल स्केल स्टार्ट होता है 1 से और खत्म होता है दोस्तों 5 पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कहाँ शुरू होता है, 1 पे शुरू होता है, खत्म कहाँ पे होता है, 5 पे खत्म होता है। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, डैश फीडबैक इज एन अप्रेजल, डैश फीडबैक इज एन अप्रेजल और परफॉर्मेंस असेसमेंट टूल दैट इनकॉर्पोरेट्स फीडबैक फ्रॉम ऑल हु ऑब्जर्व एंड आर अफेक्टेड अफेक्टेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ ए कैंडिडेट, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, इस फीडबैक का क्या नाम है दोस्तों, तो इस दोस्तों फीडबैक का नाम है, इस फीडबैक इज कॉल्ड 360 डिग्री फीडबैक, दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक इज ऑल्सो नोन एज, दूसरा नाम क्या होता है, इसे कहते हैं मल्टी सोर्स फीडबैक। द रिजल्ट फ्रॉम 360 डिग्री फीडबैक आर ऑफन यूज्ड बाय द पर्सन रिसीविंग फीडबैक टू प्लान। तो ये जो 360 डिग्री फीडबैक से जो रिजल्ट होता है वो यूज करता है कोई पर्सन रिसीविंग द फीडबैक टू प्लान, इसे क्या प्लान करता है दोस्तों, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डैश टेस्ट इज अ टेस्ट दैट इज डिजाइन टू शो समवन्स पर्सनैलिटी मेंटल एबिलिटी ओपिनियन दैट इज ऑफन यूज बाय कंपनी व्हेन दे आर डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू एम्प्लॉय समवन। इस टेस्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इस टेस्ट को कहते हैं हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट से क्या होता है कि एक किसी का पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, मेंटल एबिलिटी के बारे में पता चलता है, ओपिनियन के बारे में पता चलता है, इसे कंपनी यूज करती है ये डिसाइड करने के लिए कि उसे हम एम्प्लॉय करें या ना करें, ठीक है। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को अपने MCQ सीरीज के बारे में बताना चाहता हूँ। लास्ट मोमेंट पे आपका यदि चेक करना है कि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट है या नहीं, तो दोस्तों MCQs फोर फुल लेंथ MCQs है दोस्तों, आप फोर फुल लेंथ MCQs दीजिए, सभी में 100 क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आप ये देख पाएंगे कहीं कुछ छूटा तो नहीं है आपका, आपकी प्रिपरेशन में जो आप कहते हैं एक दो मार्क्स से मेरा रह गया, वो यही सब कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके द्वारा आप बच जाते हैं। दोस्तों MCQs में जरूर अपीयर होइए, यदि आप इसके बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, तो दोस्तों मैं आपको MCQs के बारे में डिटेल बताऊंगा। क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद कुछ लोग कहते हैं कि मेरा एक मार्क्स से छूट गया, दो मार्क्स से छूट गया, इसी कारण छूटता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखता आखिर क्या पूछा है IIPF ने, और दोस्तों उसी हिसाब से देखिए क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, कंसेप्ट रिपीट होगा। तो आप चूंकि एक बार क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, और आप यदि इस बार पूछा जाएगा तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है जिसके आप थ्रू MCQs को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। फुल लेंथ, ये हमारा जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है इसमें जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक्सरसाइजेज आर वर्क स्टिमुलेशन असेसमेंट रिक्वायरिंग अ कैंडिडेट टू एज्यूम द रोल ऑफ एम्प्लॉय एट फिक्टिशियस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे कहते हैं इंट्रे एक्सरसाइज, ठीक है। द डैश टेक्निक इज अ वे ऑफ एक्वाइंग वर्कर विद देयर जॉब बाय होल्डिंग अ वैरायटी ऑफ इशू, नाम में लिखा हुआ है, इसे कहते हैं इन बास्केट टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप वर्कर को अक्वाइंट कर रहे हैं अपने जॉब से बाय होल्डिंग अ वैरायटी ऑफ इशू इन द बास्केट, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, डैश इज अ टेक्निक दैट आस्क द कैंडिडेट टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस दे हैड इन प्रीवियस जॉब। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं बिहेवियरल BEI। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार, इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म है बिहेवियरल, ठीक है, इवेंट इंटरव्यूइंग, ठीक है, बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यूइंग, है ना। ये टेक्निक होता है जिसमें कैंडिडेट को कहा जाता है कि आप इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करें या एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करें जब उसके प्रीवियस जॉब में था, ठीक है। डैश मैनेजमेंट इज अबाउट स्टोरिंग एंड शेयरिंग द एक्युमुलेटेड कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपर्टाइज विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग इन प्रोसेस टेक्निक एंड ऑपरेशन। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं नॉलेज मैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड नॉलेज मैनेजमेंट डब्ड द 3 V's। तो 3 V's क्या है मैं आपको बता देता हूँ, 3 V's है, पहला है वॉल्यूम, दूसरा है दोस्तों वेलोसिटी और तीसरा है दोस्तों वैरायटी, वॉल्यूम वेलोसिटी वैरायटी, ठीक है। गार्डनर हैज डिफाइंड बिग डाटा एज इनकंपासिंग द 3 V's, ठीक है, द 3 V's। तो गार्डनर ने क्या कहा कि बिग डाटा को मतलब आपके पास 3 V है तो वही इनकंपास होता है, 3 V के अंदर, बिग डाटा के अंदर ये 3 V आते हैं, वॉल्यूम वेलोसिटी और वैरायटी।
चलिए ये हम लोगों ने कुछ कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू डिस्कस किया। आइए कुछ और हम लोग अपने वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं दोस्तों। लेट अस डिस्कस सम मोर वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों, कुछ और वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट अस बिगिन सॉल्विंग सम मोर वन लाइनर क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ, ठीक है आपसे कहा गया है दोस्तों, डैश इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द वैल्यू एडेड क्रिएटेड थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, ठीक है ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड, और एज सच इट ऑल्सो मेजर द इनकम अर्न्ड फ्रॉम दैट प्रोडक्शन और टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेस इम्पोर्ट। बताइए इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं GDP। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, GDP। GDP जो होता है जो वैल्यू एड हुआ है गुड्स के प्रोडक्शन से और सर्विसेज से कंट्री में एक सर्टेन पीरियड में, उसे GDP कहलाता है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्ट को हम लोग नहीं लेते हैं, जो दूसरे देश से आया है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ नेशनल इकोनॉमी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कंप्यूटेड बिफोर अलाउंस इज मेड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अभी डेप्रिसिएशन को नहीं ले रहे हैं, उसके लिए अलाउंस नहीं बना रहे हैं, उसके अलाउंस लेने से पहले जो टोटल मार्केट वैल्यू होता है कैपिटल गुड का उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डैश इज डिफाइंड एज GDP प्लस नेट रिसीव फ्रॉम एब्रोड ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्रॉपर्टी इनकम नेट टैक्स लिंक सब्सिडी, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसे कहा जाता है GNI ग्रॉस नेशनल इनकम। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GDP का फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए, सॉरी GDP का फॉर्मला बताना चाहिए, GNP का फॉर्मला बताना चाहिए, ठीक है। और GNI क्या होता है कि आप GDP को तो ले रहे हैं, उसमें आप नेट रिसीव फ्रॉम एब्रोड भी जोड़ रहे हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी जोड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी इनकम भी जोड़ रहे हैं और सब्सिडीज को घटा रहे हैं, प्रोडक्शन पे जो सब्सिडीज उसको घटा रहे हैं, उसको हम लोग GNI कहते हैं। डैश टेक्स इनटू अकाउंट नेट इनकम रिसीव फ्रॉम एब्रोड, तो एब्रोड से जो इनकम आ रहा है वो कौन लेता है, तो वो लेता है हमारा GNP। GNP में हम लोग बाहर से जो इनकम आ रहा है उसे भी लेते हैं, GDP में केवल हमारे डोमेस्टिक कंट्री में जो इनकम डेवलप हो रहा है केवल उसी को लेंगे। GNP का यदि फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए इक्वल टू डैश प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो GNP क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, GNP हो जाएगा हमारा, ऐसा करेक्ट आंसर होगा GNP इज इक्वल टू GDP। पहले तो GDP होता है, उसमें आप नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड करते हैं। डैश इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नेशनल वेदर इन द कंट्री और नॉट, तो आप भारत के अंदर हैं या भारत से बाहर हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसका वैल्यू, तो वो कौन होता है दोस्तों, वो होता है हमारा GNI ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। ये सभी गुड्स एंड सर्विस का वैल्यूज है जो कि कंट्री के अंदर बनाए या बाहर बनाए। अब दोस्तों GDP को 3 मेथड है मेजर करने का, कौन कौन सा मेथड है बताइए, तो आपको पता है तो पहला मेथड है उसको कहते हैं इनकम अप्रोच, ठीक है, या दूसरा मेथड है उसको कहते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर अप्रोच, जो तीसरा मेथड है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं इनकम एक्सपेंडिचर दोस्तों, एक होता है आउटपुट प्रोडक्शन अप्रोच, ठीक है, एक होता है हमारा प्रोडक्शन अप्रोच। चलिए ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द GDP डैश अप्रोच फार्मूला स्टार्ट विद द इनकम अर्न बाय फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द इनकम अप्रोच, नाम भी लिखा हुआ है दोस्तों, आंसर होगा GDP इनकम अप्रोच फार्मूला, ठीक है। चलिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट दैट गोज इनटू प्रोड्यूसिंग द फाइनल प्रोडक्ट सर्विसेज, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है बताइए, तो दोस्तों लैंड है, ठीक है, फिर दोस्तों एक लेबर है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और लास्ट में क्या है दोस्तों, कैपिटल है दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप। द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम दैट सिटीजन एंड कंपनी जनरेट आउटसाइड देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन एंड द टोटल इनकम जनरेटेड बाय फॉरेन सिटीजन एंड कंपनी विद इन दैट कंट्री नोन एज, तो इस डिफरेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं नफिया, NFIA। नफिया क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। डैश अप्रोच फॉर कैलकुलेशन GDP बिगिन विद मनी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दिस मेजर द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल एंटिटीज, नाम में लिखा हुआ है दोस्तों इसका आंसर, इसका मतलब है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, आप GDP कैलकुलेट करते हैं, इस पर कहाँ से शुरू करते हैं, मनी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज से। नेक्स्ट है द डैश GDP डैश मेजर द मॉनिटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं और प्रोडक्शन अप्रोच, ठीक है, उसे क्या कहते हैं प्रोडक्शन अप्रोच। GDP का जो प्रोडक्शन अप्रोच है या जो आउटपुट अप्रोच है वो मॉनिटरी या मार्केट वैल्यू जितने भी गुड्स एंड सर्विस अपने कंट्री बॉर्डर में बने हैं उसका मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है डैश इज डिफाइंड एज द नेट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ज्योग्राफिकल बॉर्डर, इट इज कंसिडर्ड की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
तो इसे क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, इसे हम कहते हैं एनडीपी। दोस्तों यहाँ पे नेट लिखा है, नेट वैल्यू है ना, मतलब इसे तो ये एनडीपी का, एनडीपी का होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय सबट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ, तो क्या सेपरेट करते हैं दोस्तों, डेप्रिसिएशन को आप सबट्रैक्ट करते हो, जो हमारा कैपिटल एसेट है उसमें जो डेप्रिसिएशन है उसको सबट्रैक्ट करने के बाद जीडीपी में से घटाइएगा तो एनडीपी मिलेगा। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो रेफर्स टू एज, कैसे अलाउंस करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस कहा जाता है, सीसीसी याद रखिएगा, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। डैश इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन ऑफ नेशन लिविंग डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली ड्यूरिंग अ ईयर। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं एनएनपी, क्या कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इज ऑल्सो रेफर टू द वैल्यू दैट इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग डैश फ्रॉम, तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा लीजिए तो आपको मिल जाएगा एनएनपी मिल जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है डैश एब्रिविटेड एनडीपी एनपी। एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इज द जीडीपी माइनस द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो आप जीडीपी में से सीएफसी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनडीपी एनपी मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एनडीपी एनपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर डैश इज द इनकम अर्न बाय द फैक्टर इनकम ऑफ वेजेस प्रॉफिट रेंट, इसे कहते हैं एनडीपी, एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डैश इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टिवली रिसीव बाय द इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री। तो इनहेबिटेंट ऑफ द कंट्री ने जो कलेक्टिवली इनकम रिसीव किया उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहा जाता है पर्सनल इनकम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल इनकम। डैश इनकम इज रेफर्ड टू टोटल ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ इनकम एंड ट्रांसफर अर्निंग रिसीव बाय प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्स। तो प्राइवेट सेक्टर जो अलग अलग सोर्स से अपने फैक्टर इनकम या ट्रांसफर अर्निंग रिसीव किए हैं उस इनकम को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग प्राइवेट इनकम। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राइवेट इनकम। डैश इनकम इज द मनी दैट इज अवेलेबल टू इन्वेस्ट सेव और स्पेंड ऑन नेसेसिटी एंड नॉन नेसेसरी आइटम आफ्टर डिडक्टिंग इनकम टैक्स। तो दोस्तों इसे कहा जाता है डिस्पोजेबल इनकम। डैश इनकम इज व्हाट हाउसहोल्ड और इंडिविजुअल हैज टू इन्वेस्ट सेव और स्पेंड आफ्टर नेसेसिटी आर पेड। तो दोस्तों इसे कहा जाता है डिस्क्रिशनरी इनकम। डैश इज हाउ मच मनी अ पर्सन हैज टू स्पेंड आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर अदर मैंडेटरी विथहोल्डिंग आर टेकन फ्रॉम देयर पेचेक। तो कितना कितना इसे कहा जाता है पीडीआई। पीडीआई क्या होता है, पीडीआई होता है दोस्तों पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल मैंने क्या बताया कि वो मनी जो कि जिसे आप इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, स्पेंड करते हैं, हाँ आफ्टर डिडक्टिंग इनकम टैक्स, तो उसको आपको डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। चलिए तो डिस्पोजेबल इनकम, डिस्क्रिशनरी इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पीडीआई, सब क्लियर रखना है। फिर इसके बाद डैश इज हाउ मच मनी एन इंडिविजुअल और एंटिटी मेक आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है रियल इनकम। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो इनकम बचता है उसे रियल इनकम कहते हैं। रियल इनकम इज अ नेशनल इनकम एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। रियल इनकम जो होता है नेशनल इनकम होता है किसके टर्म एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस होता है दोस्तों जनरल प्राइस लेवल के टर्म में, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सड इनकम इज इक्वल टू लेबर इनकम प्लस। तो मिक्सड इनकम इज इक्वल टू लेबर इनकम प्लस क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों प्रॉपर्टी इनकम। नेट डायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स प्लस क्या होगा, तो ये होता है सब्सिडीज। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, हमारा सब्सिडीज होता है। फिर आगे देखते हैं डैश सरप्लस इज द सरप्लस और डेफिसिट और प्रोडक्शन एक्टिविटी बिफोर अकाउंट हैज बीन टेकन ऑफ द इंटरेस्ट रेंट एंड चार्जेस पेड और रिसीव फॉर द यूज ऑफ एसेट। ये सरप्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस सरप्लस इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, इज सरप्लस ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज बिफोर अकाउंट हैज बीन टेकन ऑफ द इंटरेस्ट। डैश इनकम इज द रिमनरेशन ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय द ऑनर ऑफ द अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज। उस इनकम को क्या कहते हैं, इस इनकम को कहते हैं मिक्स्ड इनकम। जीडीपी इज द डैश मेजर, इट डज नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट हाउ जीडीपी इज डैश द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो जीडीपी के बारे में यदि बात करें तो जीडीपी जो है दोस्तों एक एग्रीगेट मेजर है। तो क्या है दोस्तों, एग्रीगेट मेजर है, ये कुछ नहीं कहता है कि हाउ जीडीपी इज डैश द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, हाउ जीडीपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, आंसर होगा हाउ जीडीपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट। डैश इज अ वाइडर कंसेप्ट विच इनकम पास डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं वेलफेयर, वी कॉल इट वेलफेयर इज अ वाइडर कंसेप्ट विच इनकम पास डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। डैश इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू रिसीव। तो बताइए इसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट डील्स ओनली डैश रेवेन्यू रिसीव एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू डेफिसिट जो है किससे डील करता है दोस्तों, तो विद द गवर्नमेंट्स। ठीक है, किसके साथ,
गवर्नमेंट्स का जो रेवेन्यू रिसीव गवर्नमेंट जैसे एक्सपेंडिचर है उसे डील करता है। डैश डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट टोटल टैक्स एंड नॉट टोटल रिसीव एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो इस टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस क्या करते हैं, फिस्कल डेफिसिट करते हैं। दिस इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। नेट फिस्कल डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एंड एंड नेट लैंडिंग। ठीक है, एंड नेट लैंडिंग। तो नेट फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इनकम डैश इकोनॉमी इज द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग नेशन दैट इज बिकमिंग मोर इंगेज विद द ग्लोबल मार्केट एज इट ग्रो। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका इमर्जिंग मार्केट। डैश इज एन ऑब्जर्वेशन दैट थ्योरेटिकली देर इज स्ट्रॉन्ग क्रेजुअल लिंक बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट बजट बैलेंस एंड इट्स करेंट अकाउंट बैलेंस। तो इसके किसे क्या कहते हैं दोस्तों, दिस इज नोन एज ट्विन डेफिसिट। डैश स्टिमुलस रेफर्स टू इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंजम्पशन और ट्रांसफर और लोअरिंग टैक्स इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक डेट। तो इसका ये कब आता है दोस्तों, ये कब आता है, ये फिस्कल स्टिमुलस होता है। डैश डेफिसिट इज अ मेजरमेंट ऑफ कंट्री ट्रेड वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स इंपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इट एक्सपोज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड करंट अकाउंट, करंट अकाउंट सी ए डी, करंट अकाउंट डेफिसिट मेजरमेंट होता है किसी कंट्री ट्रेड का, जब जो अपना गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू है इट्स इंपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट इट्स एक्सपोर्ट। करंट अकाउंट डेफिसिट दैट इज द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम दैट की मार्केट पैरामीटर इन द फाइनेंशियल सिस्टम इज रेजिस्टेंट टू इकोनॉमिक शॉक एंड इज फिट टू स्मूथली फुलफिल बेसिक फंक्शन। तो इस स्टेट को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो दोस्तों ये था हमारा एमसीक्यू का सेशन, वन लाइनर का पार्ट टू था, पार्ट थ्री भी लाएंगे। यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से शेयर कीजिए। यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।